और ये रही आपके सामने अकबरी मस्जिद, जो कि ये पूरी राइट साइड में शाहजहाँ मस्जिद है। इसी के हिसाब से ये देख में कुछ ना कुछ रखे जाते हैं। ये रहा दरगाह के अंदर का नज़ारा, ये चीज़ हम लोग खा के ही जाते हैं। तो ये देखिए वही बन रहा है, ये चिकन बुना। गर्मी के टाइम पे आओगे तो गर्म भी बहुत होगा, ठंडी का टाइम है इसके लिए चल जाता है। ये यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं यहाँ पे टेबल पे बैठ के। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो मुंबई से अजमेर ट्रेन की जर्नी का व्लॉग अपलोड हो चुका है, प्लीज़ जाके आप चेकआउट कीजिए। और अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग अजमेर में हैं, तो अभी खाना खा के हम लोग ज़ारत के लिए जाएंगे। तो फटाफट खाना खा के ज़ारत के लिए जाना है, तो चलिए अभी दरगाह की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने अजमेर दरगाह में एंट्री ले चुके हैं बुलंद दरवाजे से, और थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ भी है, इतनी भी भीड़ नहीं है जैसा कि यूजुअली होती है। और ये रही आपके सामने अकबरी मस्जिद, जो कि बादशाह अकबर ने बनाया था। ये थोड़ी हाइट पे है, चढ़ के ऊपर जाना है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले ज़ारत कर लेते हैं फिर उस आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे राइट साइड में आप जैसे ही घुसोगे, अजमेर तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इंडिया वाले आए ही होंगे अजमेर में। राइट साइड में दो देग है, छोटी देग और बड़ी देग, यहाँ पे नियाज बनती है। तो चलिए यहाँ से पहले पास होते हैं, असर की नमाज़ का टाइम है, पहले वो पढ़ लेंगे। ये राइट साइड में बड़ी देग है, जो कि हम लोग पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये देग को आके देखेंगे। ये रहा हौज, और एक और हौज है जो आगे है शाहजहाँ मस्जिद के पास, वजू करने के लिए ये दोनों हौज। और ये जो राइट साइड में आप मार्बल की दीवार देख रहे हैं, वो एंट्री थी शाहजहाँ मस्जिद की। ये पूरी राइट साइड में शाहजहाँ मस्जिद है, और इसको शाहजहाँ मस्जिद इसके लिए भी बोलते हैं क्योंकि बादशाह शाहजहाँ ने इसको बनाया था। और अभी असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो ये लोग यहाँ पे बैठेंगे, हम लोग जब तक ये नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो चलिए गाइज अभी देख लेते हैं देग को, जो कि ये बड़ी देग है और सामने छोटी देग है। ये देखिए यहाँ पे कोई खाना डालता है, कोई पैसा डालता है, सब अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये देग में कुछ ना कुछ रखे जाते हैं, और इसी से शाम रात में मतलब नियाज बनती है। और ये पूरा अभी अजमेर के मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं। यूजुअली इधर गर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन पता नहीं अभी लगता है वीकडे है इसके लिए गर्दी कम है, और कोई फेस्टिवल भी नहीं है इसके लिए मार्केट में आप लोग आराम से घूम सकते हैं। नहीं तो अगर कोई फेस्टिवल में अगर आप आओगे तो यहाँ पर चल नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होती है। स्ट्राइक थी पूरी गाड़ियों की आज, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियों की, जो कि कैंसिल हो चुकी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सर्वर के बाद हम लोग जाएंगे डंपिंग यार्ड, जो कि पूरा मार्बल का वाइट वाइट दिखेगा, लोग उधर का ही आजकल आप देखिए वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद हो सका टाइम मिला तो आना सागर जाएंगे। तो अभी हमारी जो सवारी जा रही है सर्वर की तरफ, तो चलिए उधर ही बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या होता है। और सब बैठ चुके हैं यहाँ पर, ज़्यादा उमनी चलती है। तो हम लोग आ चुके हैं सर्वर जगह का नाम है, और यहाँ पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती, जो उनके बेटे हैं, उनकी यहाँ पे दरगाह है। तो हम लोग वहीं ज़ारत के लिए अभी जा रहे हैं। ये देखिए अभी हम लोग दरगाह में एंट्री ले रहे हैं अंदर, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। ज़मीन काफ़ी ठंडी है, ठंडी का टाइम है। तो और हानू अभी तो सो रही है। ये रहा दरगाह के अंदर का नज़ारा। अभी जोहर की नमाज़ का टाइम है, अव्वल वक्त हो चुका है, तो मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कव्वाली चालू हो चुकी है। तो जब भी हम लोग ये दरगाह पे आते हैं, यहाँ पे देखिए सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो लगी है, और यहाँ पे ये रोटी अच्छी मिलती है, मक्के की रोटी जो कि अच्छी मिलती है, हम लोग ये खाते हैं, और साथ में चिकन बुना खाते हैं। जब भी इस जगह पे आएंगे ये चीज़ हम लोग खा के ही जाते हैं। तो ये देखिए वही बन रहा है, ये चिकन बुना। चिकन बुना आ गया है हम लोगों का, और मक्के की रोटी अभी आने वाली है। यहाँ पे एक और दरगाह है, इसको सरवर शरीफ दरगाह बोलते हैं, बराबर बैक साइड दरगाह बोलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग आए हैं, यहाँ पे भी ज़ियारत करके आगे निकलेंगे। ये रहा दरगाह का अंदर का नज़ारा।
चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए रही गई। लुक लुक यस यस हानू हानू लुक देखो राइट साइड में देखो ये गैलरी रखना। गो 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 अरे गाड़ी में रखे है ना बस ले जा सकते हैं ना ये देखिए ये गुलाब का गार्डन रहा। ये पूरा गुलाब है आप देख रहे हो। ये सब दरगाह है पी ज़ारत करूँगा पैरट। तो ये देखिए ये रहा पैरट बैठा हुआ। आपको बताता हूँ जूम करके ये जो आप देख रहे हैं ये रहा पैरट। ये देखिए हाँ पैरट ये वाला बैठा हुआ। थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ये बैठा हुआ है ये देखिए ये रहा पैरट। इधर और भी पैरट है काफ़ी बैठे हुए और जो कि घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। यहाँ पे कबूतर वगैरह है। यहाँ पे दो तीन पैरट है जो कि मेरे को हानू ने बताई है कि यहाँ पे पैरट है डेडा पैरट करके। तो मुझे पता चला कि पैरट है यहाँ पे। ये तो सामने ही बैठे हैं यहाँ पे दो पैरट। ये दोनों दोस्तों अभी सर्वर से हम लोग निकले हैं। ये देखिए अरावली हिल्स जो कि राजस्थान की पहाड़ियों को जैसे महाराष्ट्र की पहाड़ियों को सह्याद्री हिल्स बोलते हैं वैसे ये राजस्थान में ये पहाड़ियों को अरावली हिल्स बोलते हैं। और अरावली एक्सप्रेस से ही हम लोग आए हैं अजमेर। और अभी हम लोग जा रहे हैं पूरा मार्बल का है वहाँ पे मार्बल डंपिंग यार्ड बोल के बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पे एक अट्रैक्शन उन्होंने बनाया है घूमने का उधर ही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से बनाना पड़ता है पर्ची उसके बाद आप लोगों को जो है कि जाना पड़ता है आगे मार्बल के लिए। और यहाँ से ये देखिए ये पूरा किशनगढ़ डंपिंग यार्ड का पहला पर्ची यहाँ से आप बनाइए उसके बाद फिर आगे आपको जाना होगा। तो ये वो जगह है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे पूरा मार्बल्स की फैक्ट्री है। यहाँ पे पूरे मार्बल्स कटिंग होते हैं। ये पूरा अंदर मेरे को लगता है 4-5 किलोमीटर का पूरा जोन है। यहाँ पे आप लोग जो है आप देखिए यहाँ पे ऐसे मार्बल आते हैं कट होके और फिर यहाँ पे अंदर फैक्ट्री में कट होते हैं। तो चलिए अभी डंपिंग ग्राउंड जाते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं मार्बल के डंपिंग ग्राउंड जो कि सब लोग आजकल जो भी अजमेर आए वो यहाँ पे आता है मार्बल के डंपिंग ग्राउंड में फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। काफ़ी अच्छा है अंदर। तो ये पार्किंग एरिया है पूरा ये देखो ये रहा। तो चलिए अभी अंदर चल के देखते हैं कि क्या है क्या देखने मिलता है अपने को। तो ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे ये सब ये पूरा फोटो पॉइंट है। यहाँ पे ये देखिए बोट रखी है। बोट में भी उन लोग ऐसा फोटो वोटो निकालते हैं हॉर्स वगैरह है। ये देखिए लेकिन एक बात है दोस्तों यहाँ पे आओगे आपको अलग ही एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। जहाँ तक नज़र मारो आपको पूरा वाइट ही देखने मिलता है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा देखने में। लेकिन गर्मी के टाइम पे आओगे तो गर्म भी बहुत होगा। ठंडी का टाइम है इसके लिए चल जाता है। ये यहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं यहाँ पे टेबल पे बैठ के। ये लव लिखा है और अंदर बोट है बोट में से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। और यहाँ पे आप आओगे तो 2-3 घंटा आराम से बैठ सकते हो। लेकिन ठंडी में ही है ना इतना ज़रूर बोलूँगा मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। शाम हो चुकी है मगरिब का टाइम हो रहा है और ये हानू रेडी नहीं है जाने के लिए। किसी का हाथ पकड़ने के लिए भी रेडी नहीं है। खुद ही चलूँगी बोलती है तो खुद ही चल रही है वो। तो दोस्तों अनासागर तो आज हो नहीं पाएगा क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है। तो कल सुबह देखते हैं मॉर्निंग में करने का। और एक बार कभी आप अगर अजमेर और उसके आसपास है तो यहाँ पे ज़रूर आइए और इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे देखो सनसेट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का मज़ा आता है। तो दोस्तों 3rd पार्ट भी आने वाला है जिसमें अनासागर और दूसरी चीज़ें कवर होगी। प्लीज़ वो भी ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट करते जाना। मिलता हूँ ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।